एमपी में जो अपना लास्ट सब्जेक्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसे आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इकोलॉजी से रिलेटेड है, ये है विवेक तिवारी जी, इन्हें शायद कुछ इशू होगा तो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं इस टाइप की चीज़ों को प्रेफर नहीं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रीलिम निकाल के आए हैं तो ये कम से कम इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आती होगी। फिर भी मैं कुछ अगर समस्या है तो यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड, यहाँ पर तो आके आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। केवल ट्री स्पीसीज है जिन पे 20-25 मिनट का कुछ डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो उसमें केवल साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है और फैमिली, यही होता है, यही सिलेबस में आपके में लिस्ट है। थोड़ा बहुत डिस्कशन से याद होने में थोड़ा आसान हो जाए, बस वही बचेगा, और आपका कुछ ऐसा है नहीं मेरे लिए जिस पे और कुछ खंगाला जाए। पढ़ाने के लिए तो मैं आपको अगले 3 मंथ और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन PhD करने का कोई मतलब होता नहीं है फॉरेस्ट में। तो यहाँ कुछ इनके इशू थे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी है जैसे एलन, जॉर्डन, ग्लोगर, रसेल, ये है बर्गमान रूल है, लीविक और ये ब्लैकमैन है, ह्यूमस के टाइप है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इकोलॉजी में क्या है, जो स्पीसिएशन है कि एक कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर ये बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो कैसे बनी। जब ये स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर कुछ लोग, या बोल सकते हैं कुछ गपोड़ी जो अपनी थ्योरी लेके आए हैं, उनमें से 4-5 ऐसी थ्योरी है जो पूछी जाती है, कभी कभार पूछ लेते हैं इनमें। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि एलन का रूल क्या है, या एलन ने क्या कहा। एलन ने यह बोला कि जो कोल्ड एरिया के जो एनिमल्स होते हैं, सीधी सी बात है कोल्ड एरिया में सर्दी बहुत है, तो इन्होंने बोला कि कोल्ड एरिया के जो एनिमल्स हैं उनके जो बॉडी के अपेंडेजेस हैं या लिम्ब है, जैसे हाथ पैर हैं, कान है, पूंछ है, ये छोटे होते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोल्ड एरिया के जो एनिमल्स हैं उनके कान वगैरह हैं बहुत बड़े होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हीट लॉस हो जाएगा जल्दी से, कोल्ड एरिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनका एक टाइप से अडेप्टेशन है कि कोल्ड एरिया वालों की अपेंडिजेज जो है वो छोटे होते हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल में रह रहे हैं जैसे कि राजस्थान या हम लोग हैं ट्रॉपिकल में, तो ट्रॉपिकल वाले जो एनिमल्स हैं उनमें ऑब्वियसली जो बॉडी अपेंडेजेस हैं ये थोड़े बड़े रहेंगे, जिससे वो रैपिडली हीट को लॉस करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। तो एलन भाई साहब ने इस टाइप से बता दिया कि स्पीसीशन में बोल सकते हैं कि एक ही स्पीसीज थी, एक ठंडे एरिया में चली गई, एक गर्म एरिया में, और ग्रेजुअली टाइम पास कुछ 20-25 हज़ार सालों बाद ये दो स्पीसीज बन गई। तो एलन का जो रूल है वो बोलते हैं बॉडी अपेंडेज से रिलेटेड है। दूसरा है बर्गमान, इन्होंने बोला कि जो कोल्ड एरिया के एनिमल्स हैं उनका बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू जो वार्म एरिया के हैं, जैसे कि ये कोल्ड एरिया का ले लो, सेम स्पीसीज है, कोल्ड वाले का बॉडी साइज ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू वार्म के। तीसरा है जॉर्डन, ये वर्टिब्रा पे बात करते हैं कि जो कोल्ड एरिया के एनिमल्स हैं, सपोज फिश की दो स्पीसीज है, तो कोल्ड एरिया वाले जो हैं इनकी जो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें जो हड्डियां होती हैं वो ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिब्रा ज्यादा होती है। तो आपको सिंपल वे में दो तीन चीज़ें तो समझ में आई कि कोल्ड एरिया के जो एनिमल हैं उनका बॉडी साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ वर्टिब्रा यानी कि बोन्स जो है वो ज़्यादा होती है, और बॉडी अपेंडिजेज कम होते हैं। ये है जॉर्डन, जॉर्डन, बर्गमान और एलन। अब मुद्दा है ये तीनों को याद कैसे किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधा आएगा कि इस टाइप का कोई सेंटेंस लिख दिया जाएगा और ये किसका रूल है कि कोल्ड एरिया वाले जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी अपेंडेजेस हैं वो छोटे होते हैं, ये किसका रूल है। अब आपको ऐसे 4 रूल दे दिए तो आप किसको लगाओगे। एक फिफ्थ भी है ग्लोगर, इसको भी देखते हैं, पहले इन तीनों को याद रखने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा
खिलौना जो हम बनाते हैं इस टाइप से बना दिया, ये खुश हो गया। ये इसकी बॉडी है, बॉडी मतलब कौन है, बर्गमान। ये कान जो है, यानी कि ये क्या है, अपेंडेजेस, कान, एलन, पिन्ना। और जाड़े में क्या होता है, आपको कपकपी लगती है, तो ये कपकपी लग गई आपको। ये हो गई कि आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा। ये हो गया जॉर्डन। तो आपको आसानी से तीनों रूल याद हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है किसी को भी। कोई भी कॉमन सेंस से लगा सकता है कि जो कोल्ड एरिया के एनिमल है उनकी बॉडी का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू वार्म। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, बस दिक्कत आती है कि किसने क्या कहा, अपेंडेजेस के ऊपर एलन ने कहा, बर्गमान ने कहा या जॉर्डन ने कहा, यही सबसे दिक्कत आती है। तो आप एलन को याद रखोगे, एलन ये पिन्ना है, बॉडी से बर्गमान है, ये जाड़े में सर्दी कपकपी से जॉर्डन। ये तीन हो गया, काम हो गया। ऐसे भाई ग्लोगर भाई साहब है, इन्होंने ये बोला, ग्लोगर मतलब गोरापन, गोरी मैम। तो इसका मतलब है कि जो ठंडे एरिया के लोग हैं, कोल्ड एरिया के हैं, जैसे कि यूरोपियंस हैं, ये वाइट है, जबकि जो ट्रॉपिकल एरिया के हैं इनका ब्लैक जो कलर है वो डार्क होगा। अपने आप ही लिख सकते हो, हिमालय या हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो पहाड़ी एरिया है, टेम्परेचर डाउन है, उनकी स्किन का कलर लाइट है, जबकि जो ट्रॉपिकल है, साउथ इंडिया में चले जाओ, मस्त भयंकर काले मिल जाएंगे, डार्क कलर है। तो ये ग्लोगर है, इसे कैसे कर सकते हैं, गोरापन, गोरा, ग्लोगर, गोरा। बस ये चार लोग इस टाइप की बकेती करके चले गए थे। तो इन्होंने इस टाइप से बताया कि ये चीजें जब है लंबे टाइम तक चल जाती हैं तो स्पीशिएशन में हेल्प हो जाती है। आपके में चार तो ये होगा, बकाए के हैं टाइप ऑफ ह्यूमर्स, दो टाइप की है, वैसे तो इनके चार और सब टाइप है, नोट्स में दे रखा है। जैसे कोई लीव्स है, पत्ती है, पत्ती जब गिरती है तो स्टार्टिंग में जो टूट जाती है वो छोटे छोटे जो पीस हैं उसे बोला जाता है मोर ह्यूमस। क्या बोला जाता है उसे, मोर। मोर ह्यूमस वो केस है जिसमें आपको ये तो समझ में नहीं आता कि ये लीव्स किसकी है, क्योंकि वो छोटे छोटे पीस में है, बट ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये लीव्स किसी पत्ती का पार्ट हो सकता है, ये किसी ब्रांच का पार्ट हो सकता है, या ये बार्क का पार्ट है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसकी बार्क है किसकी लीव्स है। और यही जब पत्तियों के टुकड़े जब बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तब इसे बोला जाता है मल ह्यूमस। तो मोर और मल ह्यूमस यही दो मेनली पूछे जाते हैं। ये एक टाइप से थोड़ा रॉ होता है, यानी कि पार्टिकल साइज बड़ा रहेगा, और मल ह्यूमस बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है। नेक्स्ट दो है लीबिक का लॉ है। यहाँ पर तीन लॉ आते हैं, एक लीबिक है, दूसरा सेल्फोर्ड है, और तीसरा है ब्लैक मैन। तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको याद क्या रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, सीधा इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो है लीबिक ने दिया लॉ ऑफ मिनिमम। इन्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा, आपके अपने तरीके हो सकते हैं रट्टा मारने के। सेल्फोर्ड ने दिया था लॉ ऑफ टॉलरेंस, और ब्लैकमैन ने दिया लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या है उसे मैं बता सकता हूँ बस। लीबिग ने जो लॉ ऑफ मिनिमम बोला, उनने बोला कि कोई जैसे प्लांट्स हैं, या आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में फोर आपके पहिए हैं, फोर व्हीकल हैं, फोर उसके जो पहिए हैं, व्हील हैं, तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड जो है वो सबसे लो वाले पे चलेगी। या आप 25 लोग एक साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो जो आप में सबसे कम स्पीड से दौड़ पा रहा होगा, आपके पूरी ग्रुप की स्पीड वही होगी। वही इन्होंने प्लांट के ऊपर बोला था कि कोई प्लांट है, उसे 17 टाइप के मिनरल्स चाहिए, तो प्लांट की जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है
वो उस मिनरल्स पे डिपेंड होगी जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है। इसके लिए इन्होंने एक टाइप से लिविंग बैरल के नाम से इन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि आप इसमें पानी उतना ही भर सकते हो जितना सबसे लोएस्ट एक लेवल होगा मिनरल्स का, उससे ज्यादा भरने पे वो निकल जाएगा। तो ये लिविंग का था, हर जगह कॉन्सेप्ट लग जाता है, यूनिवर्सल है। सेल्फवुड ने बोला था टॉलरेंस का, इन्होंने बोला कि एक तो होता है मिनिमम टेम्परेचर का जोन और एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर का जोन। अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से भी समझ लें तो इंसान जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन है या एनिमल पॉपुलेशन है या कोई ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, वो ना तो बहुत लोअर टेम्परेचर में रहेगी ना बहुत हायर टेम्परेचर में रहेगी। मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जोन में ही मिलेगी। ये इनका है टॉलरेंस का, कहने का मतलब यहाँ पर ये आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं रेंज को। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डाउन जाते जाते करते जाते हो, इनकी टॉलरेंस के हिसाब से कम होते जाएंगे, कुछ टॉलरेंस कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो या तो इस जोन में जा करके ख़त्म हो जाएंगे या फिर माइग्रेट कर जाएंगे इधर की तरफ, तो इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। आप इसे टेम्परेचर के हिसाब से लेना चाहो तो टेम्परेचर के हिसाब से ले सकते हो, न्यूट्रिएंट के हिसाब से ले सकते हो, सोलर रेडिएशन के हिसाब से ले सकते हो, कोई भी फैक्टर ले लो, कोई भी फैक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एक फैक्टर की एक बेसिक जो ऑप्टिमम रेंज है उसी में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसकी एक्सट्रीम और लोएस्ट में कम हो जाते हैं। ये था सेल्फवुड का। ब्लैकमैन ने भी वही बोला था कि कोई फैक्टर जो सबसे कम मूवेबल है, सबसे कम अवेलेबल है या सबसे कम मूवेबल है, वही पूरी परफॉर्मेंस को लिमिट करता है, वही उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलेट कर देता है। आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है इसमें, आपसे सीधा पूछेगा कि ब्लैकमैन ने क्या दिया है या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, ब्लैकमैन ने दिया। यहाँ पर तो ये वाला पार्ट जो है आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन्य जीवों को मैनेज करना। सबसे पहला तो यही इशू आता है कि आखिर वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, हम किन्हें वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। तो एनिमल्स जो है दो कैटेगराइजेशन कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई भी जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अनडोमेस्टिकेटेड, अनडोमेस्टिकेटेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जिसे पाला नहीं गया है वो अपने नेचुरल एरिया में है। एक टाइप से एनिमल की दो कैटेगराइजेशन है, एक है डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू, दूसरे जो पालतू नहीं है। तो वाइल्ड में वो सभी आते हैं, कुछ भी आप मान लेंगे, इंसेक्ट, पेस्ट, कोई भी है जो भी जंगल में है वो सबके सब वाइल्ड है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट। अगर हम यहाँ एनिमल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे वाइल्ड एनिमल, और अगर प्लांट की बात कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाइल्ड प्लांट्स। तो वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड का मतलब जो नेचुरल हैबिटेट में है और डोमेस्टिकेटेड है। यहाँ पर अपना जो पढ़ने का पर्पज है वो एनिमल को मैनेज करना है, हम लोग यहाँ पर प्लांट को मैनेज करने का एस्पेक्ट अभी नहीं चल रहा है, तो जो अनडोमेस्टिकेटेड है वो हो गया। अब इशू है, मैनेज करने से पहले हमें कम से कम वाइल्ड लाइफ का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वाइल्ड लाइफ का हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ से हमें खतरे क्या हैं और वाइल्ड लाइफ के साथ आजकल क्या थ्रेट आ रहा है। अगर ये बेसिक आइडिया है तो फिर हम मैनेज करने वाले एंगल पर जा सकते हैं। तो पहले बेनिफिट देख लेते हैं। पहला तो है इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजी में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग जानते हो, पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने में लगे हैं, चाहे वो, अगर हम प्लांट को भी ले सकते हैं क्योंकि अभी कॉमन सी चीज़ें चल रही हैं, पूरा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसका इशू चल रहा है। एनिमल भी हैं तो वो भी काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि वल्चर है, आप लोगों ने रैबीज सुना होगा। रैबीज के केस में क्या था कि जो वायरस है वो पहले से ही काफ़ी लंबे टाइम से वाइल्ड में है, ऐसा नहीं है कि वो कभी एग्जिस्ट नहीं था, बट है क्या कि वो
आपके पास जो भी आपके कैटल हैं, जब वो मर जाते थे आप गांव के बाहर जंगल के पास छोड़ के आ गए, उन्हें खाने के लिए जंगली जानवर आ गए, उन्हें खाने के लिए जो गिद्ध थे वल्चर वो भी खाने आ गए। तो अगर रैबिज वहां से वाइल्ड एनिमल के थ्रू जो डोमेस्टिक एनिमल जब खाने आए वहां तक पहुंचा भी तो वल्चर उसे कंज्यूम कर गए, और वल्चर का जो गिद्ध जो है उनका डाइजेशन इतना स्ट्रांग था कि रेबीज खत्म हो जाता था, वो वहां से ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। यानी कि एक डिजीज को रोकने में एक बॉर्डर का काम कर रहे थे वो। हम लोगों ने जो भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई, अब हम जब अपने कैटल है उन्हें फेंक के आ जाते हैं तो खाता कौन है? मेजोरिटी केस में हमारे जो डोमेस्टिक जो कुत्ते वगैरह हैं, डॉग्स हैं, यही खा जाते हैं। उस टाइम पे जंगली जानवर भी बीच में आकर के एक दो बार मुंह मार गए, रिजल्ट क्या हुआ, उनका जो लार्वा है वो भी वहां पर एक्सचेंज हो गया। और जंगली जानवर जो है वो एक टाइप से डिजीज का या बीमारियों का एक घर है, शेल्टर की तरह काम करते हैं। आपको वैक्सीनेशन हुआ है, जंगली जानवरों का नहीं हुआ है, तो लेकिन वो लंबे टाइम से है तो उनका अडेप्टेशन है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। तो वो जो ऐसी डिजीज जो हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इस टाइप से कम्युनिकेट हो गई अपने कुत्तों में, डॉग्स में, और फिर अपने आ रेबीज हो जाता है। इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता कई बार कि आप इंजेक्शन लगाए भी काम नहीं होता उसमें। तो ये जो वल्चर था वो कहीं ना कहीं बीच में ब्लॉक कर रहा था, यानी कि एक इकोसिस्टम बना के चल रहा था। तो इकोलॉजिकल वैल्यू भी है, इकोनॉमिक वैल्यू, एलिफेंट है, आप उसके टस्क को यूज कर रहे हो, डायनोसिरोस है उसके हॉर्न को यूज कर रहे हो, हाँ वो आज क्राइम है लेकिन आप लंबे टाइम से उसे यूज करते रहे हो। आप टूरिज्म वगैरह देख सकते हो स्पोर्ट और एंजॉयमेंट के लिए, हम लोग सफारी करते ही हैं, जैसे कि यूपी में ये इटावा में सफारी इन्होंने स्टार्ट कर दी है, टाइगर सफारी, सॉरी लॉयन सफारी है, हम लोग पिकनिक के लिए जाते ही हैं घूमने। तो इस टाइप से हमारे लिए इकोनॉमिक, स्पोर्ट, एस्थेटिक वैल्यू भी है, साइंटिफिक वैल्यू, हम लोग दुनिया भर का रिसर्च इस पर करते हैं, जो चमगादड़ हैं उन पर रिसर्च करते हैं, जैसे कोरोना का बोला गया है कि जो चमगादड़ है उसी से आया है। अब उसका किस टाइप से एज ए बायो वेपन वर्क किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था, अभी तक कुछ नहीं बोला जा सकता, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि एज ए बायो वेपन उसे एज ए टूल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा होगा उस पर। एक है जेनेटिक रिसोर्सेस, अब ये कैसे काम होता है, जैसे कोई स्पीसीज है डोमेस्टिक है, सपोज मेरे घर में काऊ है, गाय है, उसे जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग डोमेस्टिकेटेड कर लेते हैं, जब हम उसे आराम से रहने देते हैं, तो उसमें वो फैक्टर या वो जीन जो उसे स्ट्रगल के लिए जंगल में जब वो पहले रहती थी, जब नेचुरल हैबिटेट था जंगल, तो उसे जल्दी से खाना खा के भागना पड़ता था, क्योंकि नहीं तो किलिंग का डर रहता था। तो वो जो रेजिस्टेंट वाले जीन है वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वीट की वैरायटी है जो वाइल्ड वैरायटी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, पानी मिलता है नहीं मिलता है, तो जो जंगली गेहूं की वैरायटी है उनमें जीन होता है कि कम पानी में भी वो स्ट्रेस में भी काम चल जाता है उनका। सो हम उनके जीन को अपनी जो डोमेस्टिक वैरायटी है वीट की उनके साथ अगर ऐड कर दें तो हम ऐसी गेहूं की क्रॉप बना सकते हैं जो कम पानी में भी आसानी से सर्वाइव कर जाए। सेलफोन सही। कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, हमारे दुनिया भर के जो देवी देवता हैं वो किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन हैं वो बिना इनके कंप्लीट नहीं हो सकते, जैसे कि मोर पंख है उसकी आप हवा करने के लिए लेंगे, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हिंदू रिलीजियस हो, जैनिज्म हो, मेजोरिटी में वो यूज किए जाते हैं। ये तो रहा इम्पोर्टेंस, अब रहा इनसे हमारी समस्याएं क्या है। जब इनके जंगल के एरिया कम हो रहे हैं तो ये फिर बाहर निकल आते हैं, फिर अपने होते हैं लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ह्यूमन डैमेज हो जाता है। इनका है एस मणिकानंदन,
ये मणिकानंदन IFS है, ये वो नहीं है जिन्होंने वो बुक लिखी है इंडियन फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट थ्रू अप्रोच समथिंग, वो नहीं है, ये दूसरा पर्सन है। लेकिन ये फेमस रहे, कई बार दोनों के नाम से मिलते जुलते होने की वजह से वो हो जाता है। तो इनके साथ भी यही दिक्कत थी, टाइगर वो एलिफेंट था पीछे पड़ गया, उसने दबा दिया, ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो ये समस्याएं आती हैं इस टाइप की। दूसरा है इस टाइप के, जैसे हम लोग इनको, ये तो हमारी वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट के हैं, जैसे एनिमल है, टाइगर है वो अपने डोमेस्टिक एनिमल को पकड़ के ले जाता है, कैटर लिफ्टर हो जाते हैं, जंगली जानवर है हमारे लोगों पे अटैक कर देते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। जो अपनी फूड क्रॉप है, एलिफेंट है उसमें फूड क्रॉप में चला गया, फूड क्रॉप खा गया, जंगली जानवर अपनी फसल बर्बाद कर दें, ये लॉस हो गया। अब थर्ड इशू है कि आखिर वाइल्ड लाइफ को आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा थ्रेट किससे है। पहला थ्रेट है जंगल कम हो रहा है या जंगल फ्रैगमेंट हो रहा है, जैसे कि इस टाइप की माइनिंग बीच बीच में कर दो, उनका जो कॉरिडोर हो रहा होता है वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो मूव करेंगे, ये चीज़ें इफेक्ट कर देते हैं। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन का अपना इशू है, रिवर में ये केमिकल डंप कर देते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, पर्पज ये है कि इनका जो प्रॉफिट है, आप जो रेजिड्यू केमिकल बन रहे हैं उनको आप प्रॉपर डिस्चार्ज करिए, उन्हें प्रॉपर ट्रीट करके डिस्चार्ज करिए। आपने दिल्ली में यमुना का केस देखा ही होगा, पूरा फॉग हो जाता है। तो ये है क्या, विदाउट ट्रीट करें पैसा बचाने के लिए, विदाउट ट्रीट करें केमिकल को सीधा रिवर वाटर में डंप कर दो, तो वहाँ पर क्या होगा, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो बर्बाद हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। दूसरा आजकल इनकी समस्या कहाँ से जुड़ी है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये कई बार आपको आएगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन और इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज को हम ज़्यादातर कम ही पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम पे। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही दे रहा है। पढ़ते इसलिए कम है क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे पाते उस पर। हो क्या रहा है, जैसे पार्थिनियम है, गाजर घास है, इसका इकोसिस्टम में कोई रोल तो है नहीं, कोई इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं करता, तो इसका क्या रिजल्ट है कि अगर इसने 1000 सीड प्रोड्यूस करे तो 1000 के 1000 से अगर 900 भी पेड़ प्लांट प्रोड्यूस हो गए तो वो 900 के 900 जिंदा है। सपोज उनमें से 20-25 अगर बर्बाद भी हो गए तब भी 850 जिंदा है। तो इनकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जबकि अदर स्पीसीज के क्या है, उसने अगर 1000 सीड प्रोड्यूस करे तो लगभग 600-700 तो अपने जो चूहे हैं, गिलहरी हैं, यही खा जाते हैं। जो 300 के आसपास जर्मिनेट भी होंगे उनमें बका के कुछ एनिमल डैमेज कर देंगे, तो 1000 में से मुश्किल से 2-4 जर्मिनेट कर पा रहे हैं, और इनके जर्मिनेट कर रहे हैं 850, तो कंपटीशन का कहीं लेवल ही नहीं रहता। तो ये तेज़ी से अपने जंगलों में जा रही है, और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो लोअर स्ट्रेटा है आपके फॉरेस्ट का, वहाँ पर ये कब्जा करती जा रही है। एक बार ये वहाँ पर आ गई, रैपिडली साइकिल मूव कर रही है कि दूसरी स्पीसीज इसकी जगह नहीं ले पाती है, जबकि ये दूसरे की लेती जा रही है। इससे इसका जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, अदर स्पीसीज का जो रीजनरेशन है वो ख़त्म होता जा रहा है, और उस एरिया से ग्रासेस, लोअर वेजिटेशन है जो कि एनुअल 6 मंथ या 1 ईयर की है, वो ख़त्म होती जा रही है। जो 1 ईयर जो पेरिनियल हैं, जैसे कि ट्रीज हैं, अब वो खड़े हैं तब तक खड़े हैं, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो नहीं आ पा रही वहाँ। तो इन्वेसिव स्पीसीज का एक थ्रेट है वाइल्ड को, या प्लांट भी ऐड किए जा रहे हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि ये था, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, बीच से हाईवे निकल गया, या अपने बीच से कोई कॉरिडोर निकाल दिया, बीच में कोई माइनिंग कर डाली। अब इसमें इम्पैक्ट क्या है, सपोज यहाँ पर 100 male 100 female थे, इनकी पॉपुलेशन बची रहेगी, यहाँ पर आपने 20-20 कर दिया, इनके बीच में ब्रीडिंग होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली ख़त्म हो जाएगी। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक समस्या है, इन्वेसिव स्पीसीज समस्या है, और तीसरा है डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो भी वैल्यूएबल ट्री स्पीसीज थी हम लोग निकाल के ले आते हैं, बहुत सारी स्पीसीज क्लाइमेट चेंज की वजह से रिजनरेट नहीं कर पा रही, उनका इशू खड़ा हो जाता है।
तो ये दिक्कतें की वजह से धीरे धीरे ही रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। और क्या है, स्ट्रेस क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि फूड नहीं मिल पा रहा है। अगर इन्हें प्रॉपर फूड मिल रहा है, हेल्दी है, तो बीमारियों से ये लड़ लेते हैं, बहुत सारी डिजीज को ये झेल नहीं पा रहे। टूरिज्म वगैरह है, इंटरनेशनल ट्रेड है, टूरिज्म इनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें टूरिज्म बढ़ा दिया, वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं इनकी। ट्रेड है, यहाँ से मार के चले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। अब क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि वैसे तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना दी गई, लेकिन ये बनाई गई 2006 के आसपास, उससे पहले कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पर क्या था कि मैंने महाराष्ट्र में क्राइम किया और आराम से एमपी में भाग गया। महाराष्ट्र की पुलिस एमपी की पुलिस से इतनी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, जब तक इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा 15-20 दिन लग जाएंगे। मैं वहाँ से राजस्थान आ गया। तो एक पर्सन एक स्टेट में क्राइम करके दूसरे स्टेट में भाग जाता था, पकड़ना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। एक स्टेट दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट नहीं हो पाती थी और वाइल्ड लाइफ क्राइम को ज़्यादा सीरियस ही नहीं लेते बहुत सारे लोग। ऐसी भी कम्युनिटी है जो नॉन वेज खाती है। अब वो जो नॉन वेज वाली है वो इतनी हंटिंग को बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम समझते नहीं है। तो वो भी बीच में अगर पूरी चैन में कहीं इस टाइप के दो चार लोग मिल गए तो इसे उतना सीरियस नहीं बना देते, वो रफा दफा हो जाता है। ये भी दिक्कतें थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, इकोलॉजी की अपनी डेफिनेशन वाला पार्ट जो आपके टर्म थे, एलन रूल है, जॉर्डन है, बर्गमान रूल था, लीविंग लॉ ऑफ मिनिमम, सेल्फहुड का टॉलरेंस है, बर्गमान का ब्लैकमैन का रूल है लॉ। इसके अलावा अपना वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में अपने एक तो डेफिनेशन समझी, दूसरा वाइल्ड लाइफ के लिए आपका क्या पॉजिटिव रोल है, वाइल्ड लाइफ की क्या थ्रेट है, मीन्स आपके लिए क्या नेगेटिव है वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ की आजकल क्या समस्या है। अब मुद्दा आता है कि आखिर वाइल्ड लाइफ को जो जंगल के अपने पास एरिया है उसमें मैनेज कैसे किया जाए। स्पेशली वाइल्ड लाइफ की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए क्या है, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेसिस करना है। तो अगर कोई स्पीसीज कम हो रही है, हम सीधा ट्रांसप्लांटेशन करके उनकी पॉपुलेशन मेंटेन कर देते हैं। अपना सिरदर्द है एनिमल्स। तो यहाँ जो हम लोग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा एनिमल्स के बारे में। अब आप मैनेज कैसे करोगे, आपके सामने कोई एक पॉपुलेशन है, उसे आपको मैनेज करना है। तो मैनेज करने से पहले आपको पहला तो ये पता होना चाहिए कि उस पॉपुलेशन का नंबर कितना, यानी कि कितने लोग हैं वो। तो यहाँ पर एक स्टेप आता है अपना वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का, सेंसस वाला, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी वाइल्ड लाइफ सेंस जो अपनी टाइगर सेंसस है 4 ईयर में होती है, वो अभी चल भी रही है पूरी इंडिया में, तो सेंसस वाला डिस्कस करेंगे। दूसरा हम उस पॉपुलेशन को ये देखेंगे कि उसमें नए बच्चे कितने आ रहे हैं, पुराने लोग कितने मर रहे हैं, यानी कि एक तो डिजिट आ गई आपके पास, फिर उनकी नेटलिटी कितनी है, मॉर्टेलिटी कितनी है उस एरिया में जिसमें ये ग्रोथ कर रहे हैं, उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी इन्हें हंटिंग करने वाले हैं, प्री प्रेडेशन क्या है, किस टाइप की चैन है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ये आपको पता होगा तब अपन कुछ मेजर्स ले सकते हैं। मेजर्स में क्या, अगर इनकी पॉपुलेशन उस एरिया में थोड़ा एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा होगी, तो हम लोग किसी दूसरे वाइल्ड लाइफ वाले या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में इन्हें शिफ्ट कर देंगे। और अगर इनकी पॉपुलेशन कम है तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हें प्रोटेक्शन देके उसे बढ़ाएं, एक लेवल तक लेके आ जाए। और अगर इनमें कोई बीमारियां वगैरह हैं तो हम कंट्रोल मेजर्स वगैरह करेंगे यहाँ। अब ये तो सारी जो भी बकैती है, इसमें जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग करते क्या है प्रैक्टिकली। मान लीजिए आपसे बोला गया कि आपके पास एक एरिया है जहां पर 4 टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करनी है। मैं यहां 4 टाइगर लेके चल रहा हूं, या सपोज मैं 1 टाइगर लेके चल रहा हूं। अब आप ये देखोगे, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं,
डे में 3 बार कंज्यूम कर लेते हैं फूड को। ये टाइगर कितनी बार खाएगा, मैं मान के चल लेता हूँ कि टाइगर केवल हिरण जो है इसी का शिकार करता है, तो ये कितने हिरण का शिकार करेगा। सपोज उसने आज एक हिरण का शिकार किया, उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर उससे हो गया, कल फिर करेगा, ये कल फास्ट रखता है, नेक्स्ट डे करेगा, मतलब उसे महीने में 15 हिरण चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो समझने में, इसलिए मैं एक टाइगर लेके चल रहा हूँ और 15 हिरण, यहाँ केवल एक स्पीसीज लेके चलूंगा, तो अपने लिए कितना हो गए, 15 हिरण हो गए। अब 15 हिरण अगर ये एक महीने में कंज्यूम करता है तो साल भर में कितना खाएगा, 15 × 150 और 30, 180 हिरण इसे चाहिए। तो यहाँ ये जो डियर है इनकी कितनी पॉपुलेशन हो कि इसमें 180 टाइगर को मिल जाए, क्योंकि इसमें भी वही है कि हर साल बहुत सारे बच्चे जन्म लेंगे, हर साल बूढ़े थोड़े मर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से इनकी पॉपुलेशन को ध्यान देंगे कि आखिर कितने हिरण चाहिए कि इसमें 180 टाइगर को मिल जाए, 15-20 जो है वो कहीं गलती से मर रहे होंगे तो वो काउंट कर लो, यानी कि 200 हिरण, यानी कि ये कितनी पॉपुलेशन यहाँ हिरणों की या डियर की होनी चाहिए कि उससे 200 ये हर साल निकलते रहें, इसके बाद भी ये सस्टेनेबल बने रहें। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि इनके अंदर मेल फीमेल का एक जोड़ा है और हर साल वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो आपको 200 नए बच्चे हर साल चाहिए, यानी कि यहाँ पर 400 हिरण की पॉपुलेशन को आपको मेंटेन करना है। 400 है, हर साल वो 200 बच्चे पैदा करेंगे, ये 200 इस पॉपुलेशन में ऐड होंगे, धीरे धीरे ये ऐड हो रहे होंगे, वैसे ये पुरानों को टाइगर खा रहा होगा, यानी कि आपको यहाँ पॉपुलेशन हो गई 400 की, एक नई डिजिट आ गई आपके पास। अब आपको ध्यान देना है कि ये हिरण खाएंगे क्या, ये सपोज यहाँ पर एक टाइप की ग्रास है जिसे कंज्यूम करते हैं। एक हिरण जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पर डे खा जाता है, तो 400 हिरण को कितना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर का एरिया पर डे। ये जो एरिया है जिसे इन्होंने खा लिया है, इसे वापस रिव्यू होने में, अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करके वही पुरानी कंडीशन में पहुंचने में कम से कम 20 दिन या 15 दिन लग रहे हैं, तो 400 × 15 दिन, सपोज 15 × 60 ये मीटर स्क्वायर एरिया। यानी कि आपको क्या करना है, अगर इस एरिया में एक टाइगर को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको इतनी हिरण की पॉपुलेशन मेंटेन करनी है और उसके लिए इतना जो ग्रास का एरिया है उसे मैनेज करना है, आपको तीनों जगह मैनेज करना है, कहीं कम नहीं होनी चाहिए। इनकी पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो दिक्कत कहाँ खड़ी हो जाएगी, ये ग्रास को ज्यादा खा जाएंगे, और अगर ग्रास सपोज यहाँ कम हो गई, किसी टाइप से यहाँ आग लग गई और ग्रास कम हो गई, तो उससे इनकी भुखमरी हो जाएगी। इनकी भुखमरी अगर हो गई, यहाँ पर 20-50 ज़्यादा मर गए, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, टाइगर तो अपने खा ही जाएगा, तो ये अपने आप को रिव्यू नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और जल्दी इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आपको यहाँ तीनों एरिया देखना है। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ बढ़ जाएगी, टाइगर केवल इसी को नहीं मारेगा, इसी को भी मार सकता है, तो आपका एक साइकिल ये चल रही होगी। यहाँ ग्रास जो है उस पर ग्रासेस के भी सीड होंगे, उस पर अपने स्क्वायरल्स हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, ये भी अटैक कर रहे होंगे, ये भी डैमेज पहुंचा रहे होंगे, उनकी भी पॉपुलेशन मेंटेन करनी है आपको। तो यहाँ आपको दुनिया भर का पकेती हो जाती है, इसमें बेसिक समझ में आ गया कि हाँ मैनेजमेंट में हमें करना क्या होता है। आपको यहाँ प्रैक्टिकली खुद नहीं करना है, वो डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग में समझा देता है कि करना क्या है, ये चलता रहेगा, फिर उसमें मैनेजमेंट का रहता है कि आप नीचे से ऊपर मैनेज कर रहे हैं या ऊपर से यहाँ मैनेज कर रहे हैं।
तो इसमें आएंगे अपने मैनेजमेंट के तरीके, आपसे बताया जाएगा कि एक काम करते हैं हम ग्रास लैंड से लेकर ऊपर तक की पॉपुलेशन मैनेज करते हैं, या ऊपर से टॉप से डाउन की तरफ मैनेज करने का आएगा, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझने के लिए टॉप से ही डाउन समझा। इसमें क्या होगा, अलग अलग लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ेंगी, जो हम लोग फूड चैन फूड वेब पढ़ते हैं उसी हिसाब से यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इन सब से फाइनली हम लोग करते क्या है, मैन जो नीचे का ग्रास लैंड है अपनी, ये इस पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ ये देखते हैं कि आखिर ये ग्रास लैंड कितने एनिमल्स को होल्ड कर सकती है। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि आप कितने लोड को लेके चल सकते हो। और ये कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये ग्रासलैंड कितने एनिमल्स को होल्ड कर सकता है विदाउट डिजेनरेटिंग इट्स फर्टिलिटी, उस और एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है उसे किसी भी टाइप का डैमेज पहुंचाए बिना सस्टेनेबल तरीके से कितने एनिमल्स यहाँ होल्ड कर सकते हैं। जनरली हम लोग इसे काउ यूनिट में मेजर करते हैं, काउ यूनिट के सपोज ये एरिया है, ये 50 काउ यूनिट है, यानी कि यहाँ पर 50 गायें जो हैं वो चढ़ सकती हैं, कंटिन्यूस पूरे साल चढ़ सकती हैं, इस एरिया को डैमेज नहीं होगा। तो हम लोग काउ यूनिट में 50 है, 80 है, 100 है, इस टाइप से चलते हैं। हालांकि अदर यूनिट भी टर्म होती हैं, जैसे कि कैमल यूनिट है, गोट यूनिट है, लेकिन मैन सबसे ज़्यादा चलती है अपनी काउ यूनिट, क्योंकि गाय ना तो एक बहुत बड़ा एनिमल है ना बहुत छोटा एनिमल है, जंगल में बड़े छोटे दो हैं तो एक एवरेज निकल आता है, इसलिए काउ यूनिट ज़्यादा यूज की जाती है। तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ आपको यहाँ मैनेजमेंट की समझ में आ गई। अब मैनेजमेंट में जो सेंसस वाला पार्ट था उसी तरफ भी आगे समझेंगे। उससे पहले जो था कि जब मैनेज करना है तो आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जैसे कि नेटलिटी क्या है, मतलब बर्थ रेट, कि वो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितनी बर्थ हो रही है हर साल। अब यहाँ बर्थ रेट ना लिख करके नेटलिटी टर्म यूज किया जाता है। दूसरा है फर्टिलिटी या फेकुंडिटी, कि कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, फेकुंडिटी यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फर्टिलिटी रिजनरेशन की दर, जनन दर, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है फर्टिलिटी या फेकुंडिटी, नेटिलिटी कितने खत्म हो रहा है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज कोई पॉपुलेशन है 100 लोगों की, अगर इनकी नेटिलिटी है सपोज 20, कि 20% ऐड हो रहे हैं हर साल पॉपुलेशन में, सॉरी फेकुंडिटी या फर्टिलिटी है 20 की, कि 20 लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और इसमें माइनस सपोज 20 की डेथ हो जाती है तो बराबर इसकी पॉपुलेशन 100 ही रहने वाली है। ठीक है, नेटलिटी हो गई बर्थ रेट है, फर्टिलिटी एक के एवरेज कितनी है, आपकी फर्टिलिटी पॉपुलेशन की 2 है, 3 है, 2.1 के आसपास अपनी अभी चल रही है, 2.1 अपना टारगेट है, अभी 2.6 या 2.7 के आसपास चल रही है। डेथ रेट होती है मॉर्टिलिटी, मैं यहाँ गलत बोल गया, नेटलिटी बर्थ रेट है, डेथ रेट होती है मॉर्टेलिटी, मोर्टाइल, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी का मतलब एक रेशियो से होता है। एक होता है टर्म होम रेंज और टेरिटरी। देखो टेरिटरी का मतलब है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप मैप देखते हो उस पर लिखा होता है 12 नॉटिकल माइल दूरी तक, मतलब समुद्र में जो है 12 समुद्री माइल दूरी तक का, इस टाइप का लिखा होता है। ये अपनी टेरिटरी है, यानी कि ये अपना घर है। तो टेरिटरी जो है वो एनिमल का वो एरिया होता है जिसमें वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए रहता ही है। टेरिटरी वो किसी दूसरे एनिमल से शेयर नहीं करता है। अगर ये एक टाइगर की टेरिटरी है तो वो उस टाइगर की ही है, इसमें कोई दूसरा टाइगर यहाँ नहीं आएगा, आएगा तो उससे लड़ जाएगा ये। दूसरा होता है होम रेंज, रेंज है भाई, घूमने फिरने चला गया है, कभी कभार किसी लेपर्ड या कोई था जो अपने किसी हर्बीवोर के पीछे पड़ा है, सपोज एक टाइगर था जो किसी हिरण के पीछे पड़ा था, ये जंगली भैंसी के पीछे पड़ा था,
भागते भागते इस रेंज में आ गया और वापस आ गया। तो ये क्या है, होम रेंज, जहां उसे आसानी से घर जैसा फील होता है लेकिन वो उसका घर नहीं है। तो होम रेंज ऐसा हो सकता है कि एक एनिमल की होम रेंज दूसरे से काउंटर कर जाए। तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो है कई बार होम रेंज में जो है यूरिन कर करके, बाथरूम कर करके उसको बॉडी मार्क करते रहते हैं, जिससे इन्हें पता पड़ जाता है कि इनकी रेंज कहाँ तक है। और दूसरा एनिमल आएगा तो कोई इंटरफेयर तो नहीं कर गया, तो ये इन्हें मालूम पड़ता रहता है, ये उनका होम रेंज है। आप इसे ऐसे मान लो जैसे अपने घर के कुत्ते होते हैं, कॉलोनी है उनकी, वो है होम रेंज, और ये घर है उनका टेरिटरी। घर में तो दूसरे कुत्ते को घुसने नहीं देंगे वो, लेकिन हाँ कॉलोनी में रह सकते हैं, तो उनसे हाय हेलो सुबह शाम कर सकते हैं, सब साथ में मिलकर लड़ सकते हैं। दो टर्म ही आ गए, क्रूजिंग रेडियस, अरे मतलब है कि यहाँ घर से कितनी रेडियस तक ये क्रूज कर सकता है, ये है क्रूजिंग रेडियस, मीन्स कितने एरिया में ये घूमता है रेडियस में। कैरिंग कैपेसिटी इसे हम लोग समझ ही चुके हैं। फिर इनके पॉपुलेशन का होता है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है घटती है घटती है, तो ये पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी एनिमल की। ये कहाँ समस्या आ जाती है, अगर हमने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सही से नहीं किया। सपोज आपने क्या कर दिया, गलती से उस एरिया की एक टाइगर को होल्ड करने की कैपेसिटी थी, आपने चार उतार दिए, चार उतार देंगे, वो क्या करेंगे, जो आपके हिरण हैं उनको ज्यादा खा जाएंगे। जब हिरण की पॉपुलेशन कंज्यूम ज्यादा हो जाएगी तो ग्रास बढ़ जाएगी वहां पर, क्योंकि अब ग्रास को खाने वाले कम है, ग्रास बढ़ेगी एक टाइप से फूड बढ़ा, तो जो अदर एनिमल जिनको एक लिमिट में ही शेयर मिल पाता था, जैसे कि सपोज रोडेंट्स चूहे ग्रास को खा रहे हैं, इनको ग्रास थोड़ा ज्यादा ही मिल गया, इससे क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जैसे फूड ज्यादा मिल जाएगा उसी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लिमिट से ज्यादा हो जाएगी ग्रास एक टाइम पे, जब ये ज्यादा खाने लगेंगे एक टाइम पे ग्रास खत्म हो जाएगी, अब इनकी यहाँ भुखमरी हो जाएगी, अब ये क्या करेंगे, इनके पास ही की है सामूहिक आत्महत्या करना। तो इस टाइप की समस्या होती है कि पॉपुलेशन जो है वो कॉलैप्स हो जाती है, भुखमरी में मर जाते हैं। तो अगर प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो जिस एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी वही कॉलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है एज इफेक्ट, ये क्या होता है इसे थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे सपोज एक ये पानी वाला एरिया वाटर है, वाटर का अपना हैबिटेट है, यहाँ की वेजिटेशन अपनी होगी। सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी है वो है 50, यानी कि यहाँ 50 स्पीसीज पाई जाती हैं इस जोन में, और ये है जमीन वाला एरिया, यहाँ पर ट्री होंगे, ग्रासेस होंगे, क्लिम्बर्स होंगे, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है 40, यानी कि यहाँ पर 40 टाइप की प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पर 50 टाइप के प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी वगैरह होंगे, यहाँ 50 टाइप के हैं। ये इनका जो मिक्स जोन है, यहाँ पर अबाउट 60 से लगभग 70 के आसपास स्पीसीज होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये इससे भी कांटेक्ट में है, यहाँ पर पानी ऐसा थोड़ी कि टाटा ने यहाँ पर कोई बाउंड्री बना रखी है, यहाँ पर बीच बीच में स्पेस होगा, यहाँ पर इसकी भी ग्रासेस होंगी जो सी ग्रासेस हैं या वाटर वाली ग्रासेस हैं, एल्गी होगी, बीच बीच में छोटी मछलियाँ होंगे, कछुए आ गए होंगे, स्नेल्स होंगे, जो इधर के हैं मगरमच्छ हैं वो भी इधर आ रखे होंगे, और यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी यहाँ तक आ गए होंगे। तो ये जो बीच का जोन होता है इसकी टोटल बायोडाइवर्सिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे बोलते हैं एज इफेक्ट। तो इस जो दो इकोसिस्टम के बीच का जो जोन है वो एज होने की वजह से सिंपल सा है, वहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए कॉमन सा टर्म यूज कर देते हैं उसके लिए एज इफेक्ट। दो तीन टर्म और हैं, जैसे एक आता है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब है कि जो अपने दो इकोसिस्टम है वो कितने करीब हैं, जैसे एक ग्रास लैंड का इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट का है। इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एनिमल्स में एक पीरियड आता है जिसे बोलते हैं पिंच पीरियड। क्या टर्म है, पिंच,
PINCH, पिंच पीरियड। हिंदी में सीधा बोलेंगे बुरे दिन आ गए भाई इसके, पिंच पीरियड, जब वाइल्ड एनिमल्स को खाने को नहीं मिलता, खासकर गर्मियों के टाइम पे। तो पिंच पीरियड एक इकोसिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि वो किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले करता है। कोई इकोसिस्टम है, अगर वो 50 ही टाइगर को होल्ड कर सकता है, तो पिंच पीरियड में जब इन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो बकाए के भुखमरी में मर जाएंगे, 50, 45 से 55 के बीच में ही जिंदा बचेंगे, तो वो मेन रोल करता है। अब यहाँ पर जक्सटापोजिशन का क्या मतलब है कि दो इकोसिस्टम है वो कितने करीब है, इसका क्या फायदा है? अगर कोई एनिमल जंगलों में रहता है और अगर पिंच पीरियड में आया, तो क्या वो इस ग्रासलैंड में आकर के थोड़ा बहुत खा खू करके अपना टाइम काट लेगा, जब फेवरेबल आएगा वापस आ जाएगा, तो वो कैसे जो दो हैबिटेट हैं उनमें इंटरचेंज कर लेता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जक्स्ट्रा पोजिशन। ये है पिंच पीरियड, जो अनफेवरेबल पीरियड है, जहाँ पर रिसोर्सेस सबसे कम हो जाते हैं वो अपना ही आ जाता है। नेक्स्ट कुछ और टर्म है छोटे मोटे चिल्लर से, जैसे कि माइग्रेशन है, एनिमल है एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन में दो टर्म यूज किए जाते हैं, सपोज ये आपका एक एरिया है, मैं ले लेता हूँ कि ये इंदौर है और ये है ग्वालियर, मैं ग्वालियर से यहाँ इंदौर माइग्रेट कर रहा हूँ, तो इंदौर वाले मुझे क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का माइग्रेशन है, मैं इंदौर में आया हूँ, तो इसे बोलेंगे इन, मैं इन कर रहा हूँ यहाँ, तो ये होगा इमाइग्रेशन। अगर मैं इंदौर से कहीं बाहर गया हूँ तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एग्जिट किया है, तो ये होगा ई वाला इमाइग्रेशन। तो यहाँ इन में, आई में और ई में कंफ्यूज नहीं होना है, ई फॉर एग्जिट और आई फॉर इन। तो अगर कोई पॉपुलेशन है जो किसी एरिया में माइग्रेट कर जाती है, इस एरिया में आ रही है, तो उसे बोलेंगे इमाइग्रेशन, और गई तो इमाइग्रेशन। और कुछ बचा है इसमें, डिस्पर्सल, फैलाओ, कितनी फैल रखी है पॉपुलेशन, रैंडमली है किसी एरिया में ऐसी स्पीसीज फैल रखी है, रैंडमली कोई पैटर्न नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब पूरे एरिया में बराबर फैली है, क्लम्प्ड का मतलब है कि जैसे एरिया में कुछ जानवर यहाँ इकट्ठे, कुछ यहाँ है, कुछ इकट्ठे यहाँ है। एक ऐसा होता है जब कोई बड़ा ग्रासलैंड हो और उसमें तुम 250 गाय हैं बकरियाँ हैं उन्हें छोड़ दो, तो जनरली वो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना लेती है, और ग्रुप में ही वो ग्रास कंज्यूम करती है, तो इस टाइप के क्लम्प डिस्पर्सल वगैरह है, टर्म है, देख लेना। अब कुल मिला के अपना यहाँ पर आ जाते हैं अपने पे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वाले पे, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया है, इनमें बकाए के कंट्रोल मेजर्स और इसमें कोई खास फर्क है नहीं। कंट्रोल में क्या, किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती तो दूसरे नेशनल पार्क में छोड़ाते हैं। मेन मुद्दा है सेंसस का, एनिमल की जनगणना कैसे करते हैं, जनगणना के तरीके समझेंगे एनिमल्स के, आपको चाहे तो फॉरेस्ट सर्विस का दो या फिर आप सिविल का भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मतलब की हैं कुछ हद तक, और इंटरव्यू के काम पे तो ये इंटरव्यू के टाइम पे तो काम आती ही आती है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है सेंसस को। पहला तो ये है कि हम सेंसस करना क्यों चाहते हैं, सीधी सी बात है, आपको ये पता पड़ जाए कि कितने जानवर हैं तो आप एक आइडिया मिल जाता है, तो प्रॉपर आप ग्रास्ट लैंड है उसे मैनेज कर सकते हो, कैरिंग कैपेसिटी से अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करोगे उन्हें, कम हुई तो आप उनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम को सही से कर पाओगे जिससे पॉपुलेशन मेंटेन हो पाए। आप बार बार सेंसस बीच बीच में करते रहते हो तो उससे ये भी पता पड़ता है कि एडल्ट कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, अभी यंग कितने हैं, तो उससे नेटलिटी और मॉर्टेलिटी, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में आइडिया मिल जाता है। एक डेमोग्राफी जो है, किस टाइप से इनकी पॉपुलेशन है जो टर्नओवर हो रही है, टर्नओवर मतलब जैसे पुरानी पॉपुलेशन ख़त्म होकर के नई पॉपुलेशन उसे पूरा का पूरा चेंज कर देती है, नई एज आ जाती है उसमें, तो ये कैसे या कितने पीरियड में ये पॉपुलेशन अपने आप को टर्न कर रही है, तो पॉपुलेशन टर्नओवर के बारे में आइडिया मिल जाता है, कितने जीते हैं वो सारी चीज़ें पता पड़ जाती हैं। अगर किसी एरिया में
पिछले 20 साल में 100 के 100 ही एनिमल हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है वो भी समझ में आ जाती है। और सेंसस के टाइम पे कई बार हम लोग मल्टी स्पीसीज को भी लेके कर लेते हैं, तो उससे आपको उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझ में आ जाता है, वहाँ के एनिमल्स की फूड हैबिट, फूड चैन, फूड वेब, इसके बारे में भी बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। तो ये रहा सेंसस का इम्पोर्टेंस। अब करेंगे जनगणना। गणना के क्या तरीके हैं? पहला तो है हम डायरेक्ट उन्हें करेंगे, यानी कि विजुअल काउंट, हम डायरेक्ट एक एक को देख देख करके काउंट करेंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट काउंट के कुछ मेथड हैं। और तीसरे आते हैं मिसलेनियस में, अब एक एक करके ना पढ़ेंगे। डायरेक्ट काउंट में क्या होगा, आप एक एक को काउंट करोगे। अब एक एक को काउंट करने के दो इशू हो सकते हैं। पहला तो है टोटल काउंट, यानी कि उस एरिया में आपके पास अगर 100 हेक्टर का एरिया है, सपोज एक बड़ा एरिया है, आप इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप पूरे के पूरे एरिया को काउंट करोगे। अब फॉरेस्ट एरिया बड़ा एरिया होता है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है सपोज है 5000 स्क्वायर किलोमीटर का, तो इतने में काउंट करना एक बार में पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लग जाएगा, 2-3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का ही सेंसस कर पाएगा। तो 5000 में तो नहीं, 2 साल लगेंगे, तब तक तो यहाँ पूरी पॉपुलेशन टर्नओवर हो जाती है, तो संभव नहीं हो पाता। तो टोटल काउंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग सैंपल काउंट या पार्शियल काउंटिंग, सैंपल काउंटिंग करते हैं। मतलब सपोज इस पूरे एरिया को हमने 20 प्लॉट में डिवाइड कर लिया और एक प्लॉट की काउंटिंग कर ली, जो भी एक प्लॉट का डाटा है मल्टीप्लाई बाय 20 अपना एवरेज निकल आता है। तो यहाँ हमें एवरेज परफॉर्मेंस की जहाँ ज़रूरत होती है वो निकल आता है, लेकिन टोटल काउंट कहाँ ज़रूरी है, जैसे टाइगर सेंसस है, जहाँ कोई चीज बहुत सीरियस मुद्दा है उस केस में फिर हम एवरेज से नहीं चलाते हैं, वहाँ पर तो मजबूरी में हमें टोटल करना ही होता है। तो इस टाइप से दोनों ही मेथड चलते हैं, टोटल और सैंपल। टोटल में भी दो मेथड है, स्पेशल और टेम्पोरल। पहले हम स्पेशल मेथड पढ़ेंगे, कैसे हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हमें बड़े एनिमल्स की सेंसस करनी है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी अपने पास एरिया है, सपोज बड़ा सा ग्रासलैंड है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक लाइन सी खड़ी कर देंगे या कुछ लोग खड़े कर देते हैं। जब सेंसस करते हैं तो आदिवासियों को बुला लेते हैं, उनसे बोल लेते हैं थाली कटोरा ड्रम जो हो तुम्हारे पास उसे बजाते रहो। तो 5-10 इधर खड़े होके बजा रहे, 5-10 इधर होके खड़े होके बजा रहे। यहाँ पर एक लाइन बना रखी होगी, यहाँ पर कुछ पेड़ों पर खड़े होंगे, ठीक है। जैसे इसने बोल दिया कि इस पेड़ से इस पेड़ के बीच में जो भी निकलेंगे वो ये काउंट करेगा, इस पेड़ से इसके बीच में जो भी होगा, इस पेड़ पे जो आदमी खड़ा है वो काउंट करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पीछे से बैंड बाजे बजा दिए, जंगली जानवरों को भगाया गया, इधर उधर जा नहीं सकते वो, क्योंकि यहाँ थाली कटोरा बजाने में लगे हैं। ये सीधे के सीधे इस लाइन को क्रॉस करेंगे, और जैसे ही वो लाइन को क्रॉस करते जाएंगे हम लोग काउंट करते जाएंगे कि कितने एनिमल हैं। अब इससे क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि इस एरिया को तुमने एनिमल साफ कर दिए, वो दूसरे में पहुंच गए, फिर दूसरे में जो पहले से होंगे उनका क्या। तो ये क्या करते हैं कि पहले उस एरिया के इनको साफ कर देते हैं भगा भगू करके, फिर इस एरिया के एनिमल्स को उधर शिफ्ट करते हैं, फिर किसी दूसरे वाले एरिया के इनको इधर शिफ्ट करते हैं। तो इस टाइप से धीरे धीरे करके हम पूरे एरिया के काउंट कर लेते हैं। जे जनरली हम वैली वगैरह कुछ टाइप से जे बाउंड्री भी यूज कर लेते हैं। तो एक तो ये है जिसमें क्या करते हैं, हम एनिमल्स को ड्राइव करते हैं। दूसरा मेथड है, इतनी अगर आपको भगत ही नहीं काटनी है तो हम लोग उस एरिया में जाएंगे। ये सारे काम हम कब करेंगे, जब बड़े एनिमल हो तभी, छोटे के केस में संभव नहीं है। जैसे स्नेक है, फ्रॉग है, इनकी ऐसे नहीं हो पाती। बड़े एनिमल है जैसे कि जिराफ है, हाथी है, टाइगर है, इनकी कर लेंगे कि कोई एरिया है उस एरिया में हम जिप्सी लेके गए और जिप्सी मूव करते गए। आप उस एरिया को मान के चलो कुछ रोड में डिवाइड कर लिया आपने, उस पूरे एरिया में आप अगले 1.5-2 घंटे में पूरे में चक्कर लगा दोगे। आपको उम्मीद रहती है कि 1.5-2 घंटे में ये इतना ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, तो जो भी काउंटिंग होगी आपकी लगभग 99.5% करेक्ट होगी। तो आप क्या करोगे, जिप्सी से गए,
और इस टाइप से एनिमल को देख करके उन्हें काउंट करते हैं। ये है आपकी विजुअल मेथड, ये था ड्राइव मेथड, ये सीधा देख करके। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि कई बार एनिमल जो है वो दिखते नहीं है, बड़ी बड़ी घास है उसमें कोई बैठा था नहीं दिख रहा, आप काउंट नहीं कर पाए। कई बार कैमोफ्लेज हो जाते हैं, एनिमल को घास से पहचानने में नहीं आ पाते कि ये एनिमल है या घास है। और कई बार क्या होता है, गलती से हम ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए तो पीछे हाथी टाइगर है ना, वो खदेड़ लेता है। तो सेंसर छोड़िए, जान की पड़ जाती है। तीसरा मेथड है जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है, वो है ड्रोन का। आपने ड्रोन उड़ा दिया, ड्रोन का एक पथ कर दिया कि ये एरिया था सेंसस करना, आप ड्रोन उड़ाते चले गए ऐसे। दो चार घंटे में उसने पूरे एरिया का एक पूरा पिक्चर ले दिया और आपको जितने भी एनिमल मिले आपने फटाक से काउंट कर लिया। हम लोग जो डिजिटल है NDVI उससे काउंट कर लेते हैं, तो NDVI से इजिली अगले 2-3 घंटे में वो खुद ही पिक्चर से एनालाइज करके दे देगा कि यहाँ कितने एनिमल उसे काउंटिंग में आए, तो फटाक से काम हो जाता है। तो आजकल हम लोग ड्रोन वाला काम करने लगे, एरियल मेथड। पहले भी एरियल में करते थे, जैसे एरोप्लेन पर बैठ के कर रहे हैं, जो छोटे छोटे फाइटर हैं या छोटे छोटे प्लेन हैं उनमें, लेकिन उतना बेटर नहीं था जितना आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी करती है। ये तो थे स्पेशल में। टेम्पोरल में क्या होता है, कुछ नहीं हमें पता होता है कि ये तो एक बड़ा सा ग्रासलैंड का एरिया है, इधर एक रिवर है, सबको पानी पीने जाना होता है, कोई भी एनिमल हो। पानी तो एक दिन में 2 दिन में बेचारा पिएगा ही पिएगा, गर्मियां हैं तो डेली सुबह शाम पीने आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, दोपहर में नहीं निकलते हैं तो शाम के टाइम जब पानी पीने का टाइम है हम स्टार्ट खड़े हो जाते हैं बीच बीच में जिप्सी लेकर और काउंट करते रहेंगे, बेटा निकलो कितने निकल गए। तो इस टाइप से हम लोग टेम्पोरल में इन्हें कोई फिक्स टाइम या पीरियड के हिसाब से हम फिक्स करके वहाँ पहुँच जाते हैं और इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। ये तो रहा डायरेक्ट काउंटिंग के मेथड। डायरेक्ट काउंटिंग में क्या इशू है वो आपको बता ही दिया है, कोई एनिमल पीछे पड़ गया। कई बार यहाँ कैमोफ्लेज कर जाते हैं एनिमल, समझ में नहीं आते हैं डेंजरस एनिमल के साथ। डेंस फॉरेस्ट अनड्यूलेटेड जो घने जंगल हैं उनमें करना पॉसिबल नहीं है। ये तभी संभव है कि जब आपका एरिया जहाँ आप सेंसस कर रहे हो वो छोटा हो और इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए, 2-4 आदमी से ऐसी सेंसस नहीं होती है। तो जब भी इस टाइप की सेंसस होती हैं जैसे टाइगर के केस में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एकेडमिक्स हैं उनसे बोल लिया, BSc MSc के बच्चे हैं उनसे बोला लिया आ जाओ, वाइल्ड लाइफ में जो टूरिज्म में जो इंटरेस्टेड है उनसे बोल दिया आ जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रहेंगे 20 लोग, 80-90 तो ऐसे लोगों को क्राउड कर लिया जाता है, 5-10 दिन इन्हें समझाया कैसे काम करते हैं और इनसे काम कराते हैं, तो तब कहीं जाके ये चीज़ें हो पाती हैं। अब इसमें हम लोग टोटल काउंट वाले में तो आ गए, सैंपल काउंट या पार्शियल काउंट कैसे करेंगे इसके। एक तो है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या है, पूरे एरिया को आप कुछ ब्लॉक में ऐसे डिवाइड कर दिया, एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक, चौथा। सैंपल ही तो करना था, पार्शियल ही तो करना था, एक ब्लॉक का काउंट कर लिया और नंबर ऑफ ब्लॉक का मल्टीप्लाई करके आप निकाल दिए। यानी कि इस टाइप से हमने 2-10% कोई भी एरिया है उतने का, सपोज 10% का काउंटिंग करके मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो वो अपना 100 का निकल आया। तो छोटे परसेंटेज में कर लेते हैं। ट्रांजेक्ट काउंटिंग में क्या होता है, इसे रोड काउंट भी बोलते हैं, एक और मेथड है इसमें जैसे किंग मेथड बोलते हैं, दोनों टर्म याद रखो यहाँ। इसमें क्या है कि जनरली हम एक ऐसे रोड से निकलते जाते हैं और देखते जाते हैं कितने जानवर हैं, फिर हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा एरिया में से हमने विजुअली कितना एरिया को देख कर कवर कर लिया। सपोज हमने 20% एरिया को देख लिया है, तो जो काउंटिंग आई वो 20% की है, तो उसमें मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो अपना 100। अगर काउंटिंग इसमें सपोज 20% एरिया में आपको 100 एनिमल मिले तो इसका मतलब इस एरिया में 500 एनिमल टोटल है। ये विजुअल हो गई। यानी कि इसमें क्या कर लिया आपने इस टाइप से कि ब्लॉक में डिवाइड करके कुछ ब्लॉक का काउंट कर लिया या रोड से निकल गया, इस टाइप से ट्रांजेक्ट काउंट कर लिया। ये दो मेथड आपके हो सकते हैं जिसमें रोड और किंग, जो किंग मेथड है या किंग ग्रीड मेथड है, नाम याद रखो, कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि ये मेथड कैसे करते हैं, ये याद रखो, ये ट्रांजेक्ट काउंट के अंदर है या ये सैंपल काउंट के अंदर है।
ये है इंडेक्स या इनडायरेक्ट काउंटिंग। जब हम लोग टाइगर सेंसस करते हैं तो टाइगर सेंसस में हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अम्ब्रेला स्पीसीज है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है उसकी कंजर्वेशन में, तो हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम जो काउंटिंग कर रहा है वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है। तो उसके लिए फिर हम 3-4 लेवल पे हम उसको रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। जैसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि झाड़ियाँ जाकर के टाइगर को भगाएंगे। इस टाइप से हमें पूरे फॉरेस्ट जो एरिया है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, तो फॉरेस्ट गार्ड को पता होता है कि इस कंपार्टमेंट में 2 टाइगर हैं, उसमें 4 हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें ट्रैक करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनकी स्ट्रिप जो है उससे नाम दे देते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन होता है उनका। तो एक तो कुछ हद तक हम वैसे डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। दूसरा, अगर किसी ब्लॉक में सपोज उनका पैलेट या डंग मिला, यानी कि उनकी लड़ी मिली, अब लड़ी की स्मेल से हमें समझ में आ जाता है कि ये 1 दिन की है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, तो उससे समझ में आया कि अगर ये 1 दिन की है यानी कि 6 घंटे या 12 घंटे की है, इसका मतलब है यहाँ 12 घंटे पहले यहाँ टाइगर था। अब टाइगर ऐसा थोड़ी कि उसका सिर घूम गया था और 12 घंटे से वो राइट डायरेक्शन में भागते ही जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अगर 12 घंटे पहले था तो एक रेडियस है कि 1.5 किलोमीटर की रेडियस है कि वो इस रीजन में ही होगा। तो हम लोग इस टाइप से थोड़ा वेरिफिकेशन में हेल्प हो जाती है। दूसरा, इससे एक हेल्प हो जाती है कि इसने पिछली रात में क्या खाया था, कौन से एनिमल को खाया इसने, क्योंकि जिसको खाया होगा उसने कौन सा भूंज के खाया है, पूरा खाया तो उसके जो बाल हैं वो भी यहाँ मिल जाएंगे, घास खा लेगा तो वो फाइबर मिल जाएंगे, तो वो भी हेल्प हो जाती है इस एरिया में कौन कौन से एनिमल हैं। कई बार ऐसे एनिमल होते हैं जिससे हमें लगता है कि ये तो इस एरिया में होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पैलेट को एनालाइज किया पता पड़ता है कि उस एनिमल के बाल मिल गए, यानी कि वो एनिमल हमें नहीं पता है लेकिन इस जंगल में है। इस टाइप के हंटिंग रिकॉर्ड्स, हर एनिमल की हंटिंग के अपना तरीका है, ये जनरली जो गर्दन है उसे तोड़ देते हैं, तो अगर अभी रिसेंटली कोई हंटिंग हुई है तो हमें पता पड़ता है कि अच्छा इस एरिया में टाइगर है, अभी उसने एनिमल को पूरा नहीं खाया, मतलब अगले 100-150 मीटर की रेंज में ये कहीं बैठा होगा दुख के। कॉल इंडेक्स, बीच बीच में बेचारा कॉल करता रहता है, चिल्लाता रहता है, गुर्राता रहता है, उससे भी समझ में आ जाता है हाँ भाई ये इस एरिया में बैठा है। तो ये रीवेरिफिकेशन है, इस टाइप से भी हम लोग कुछ कई बार काउंट कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है, आपने पग मार्क बहुत सुन रखा होगा कि हम टाइगर पग मार्क करते हैं, पग मार्क से भी वेरिफिकेशन करते हैं, तो ये देख लेते हैं आखिर पग मार्क क्या है। यहाँ पर जैसे ड्रग काउंट है, हंटिंग है, कॉल इंडेक्स है या पग मार्क है, एक टाइप से आपके फुटप्रिंट होगा, वो क्या है, एनिमल जैसे चलता है तो पैर तो रखेगा ही, उसके पैरों का भी एक पर्टिकुलर साइज शेप है, हर एनिमल में थोड़ा वेरिएशन रहता है, और ये भी पगमार्क ऐसा नहीं है जब वो आराम से चल रहा तब अलग छपता है और दौड़ रहा हो तब उसके अलग है, दौड़ते समय जनरली उनके नाखून आ जाते क्योंकि ग्रिप बढ़ाने के लिए उनके नाखून निकल आते हैं। दूसरा, इनके एक पैर दूसरे पैर के बीच की जो डिस्टेंस है नॉर्मल होगी तो वो जो भी इनकी 1.5 मीटर की होगी ये कम होगी, दौड़ रहे हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उस डिस्टेंस से हम लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर इसकी स्पीड कितनी थी, दूसरे भी कुछ और पैर मिल सकते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन से एनिमल की पीछे पड़ा था, ये अकेली टाइग्रेस थी या टाइगर था, इसके साथ क्या कुछ बच्चे भी थे कि नहीं थे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें पता पड़ जाती हैं। अब इसमें एक इशू और आता है कि ये जो पग मार्क हैं, एक तो है कि लेते कैसे हैं, दूसरा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेल और फीमेल टाइगर के पग मार्क में क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे समझ लो मुझे याद नहीं होता तो मैंने इस मोटे भाई को यहाँ चिपका रखा है, ये क्या है, खा पी के चौकोर हो गया है। तो मेल जो टाइगर है उसके जो पग मार्क होते हैं वो जनरली उनकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो लगभग सेम होती है, तो स्क्वायर टाइप का बन जाता है। लेडीज है, फिट रहने के चक्कर में खाना नहीं खाया, ये पतला ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या है कि ये पिक्चर से ये चीज़ें लंबे टाइम तक आपको याद रह जाती है, मेल फीमेल के पग मार्क के बीच का जो वेरिएशन है, इंटरव्यू में सीधा सीधा काम देता है, मेंस में भी कई बार पूछा जा चुका है जो रिटन टाइप के हैं,
ऑब्जेक्टिव में शायद मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। एक के पग मार्क लेते कैसे हैं, सीधा सा है ऐसा कोई जंगल का एरिया जहां लगता है कि यहां से जानवर कोई निकल सकता है, वहां की जमीन को खोदते हैं, खोद करके उसे छान लेते हैं, मतलब उसे लूज बना देते हैं जिससे जैसे कोई जानवर पैर रखे पैर आसानी से वहां धस जाए, जैसे ये पग मार्क कर दिया। ज्यादातर पग मार्क हम लोग हैं जो पानी पीने के लिए जो वाटर सोर्स है उनके आसपास जो कहीं थोड़ा साफ सा एरिया हो वहां बना देते हैं, क्योंकि टाइगर वगैरह आराम से वो साफ एरिया को ही प्रेफर करते हैं। जैसे हम लोग जंगल में कहीं गली मिल जाए तो गली से ही मूव करेंगे, वैसा इनके साथ है। यहाँ तक चीजें हो गई। अब अपनी आती है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में कुछ और काउंट है, जैसे कि एक रेडियो बेस्ड है, वाटर होल है, किल एविडेंस और कैमरा ट्रैप। कैमरा ट्रैप में सीधा ऐसा ट्रैप लगे होते हैं, उसमें सेंसर है, जैसे ही कोई टाइगर वहां से निकला या कोई भी एनिमल निकला, जैसे ही वहां थोड़ा भी मूवमेंट हुआ फटाक से फोटो खींचता है, काम हो गया इसका। कई बार क्या है कि एकदम फोटो खींचता है, लाइट जलती है, जानवर डर जाते हैं, भागते हैं। ये इस टाइप के हम लोग मचान बना लेते हैं। तो वहां पर हम लोग खासकर गर्मियों में जो सेंसर्स होती है, क्योंकि घासेस वगैरह साफ है, सबको पानी पीना है, तो वाटर होल के पास हम लोग आराम से नाइट में काउंटिंग करते रहते हैं। इसमें सेंसर्स में और तो कुछ है नहीं। लास्ट में एक आता है वाइल्ड लाइफ टेलीमेट्री। टर्म समझ लीजिए, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि आगे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। आजकल क्या होता है कि एनिमल की किसी की स्टडी की जाए तो वो किस एरिया में कैसे मूव कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो कॉलर उसके गले में पंखों में अगर बर्ड्स है लटका देते हैं, फिर इस टाइप के रेडियो एंटीना लेकर के ट्रैक कर लेते हैं कि एनिमल कैसे मूव कर रहा है। तो रेडियो कॉलर वाला जो सिस्टम है पूरा उसे टेलीमेट्री के अंडर करते हैं। नोट्स में दे रखा है, पढ़ लेना, इसे और जानकारी मिल जाएगा। वहाँ पर इसके टाइप वगैरह भी लिख रखे हैं, उनका ज़्यादा कोई खास मतलब है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लो। लास्ट में अपने वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, कब शुरू हुआ, 73 में कब हुआ, 1 अप्रैल में, ये पूछा जा चुका है। और भी हैं, टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट है, लायन है, तो कौन कब स्टार्ट हुआ वो पूछे जाते हैं। बस टाइगर के केस में जरूर कि 1 अप्रैल पूछी गई है, 1973 पूछी गई है। दूसरा टाइगर सेंसस का इशू है, तो टाइगर सेंसस होती है हर 4 साल में, कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, वो हर 4 साल में करती है। अभी सेंसस चल रही है, 2022 में इसकी रिपोर्ट आएगी। एनिमल सेंसस है उनकी हर 5 साल में होती है, ये कौन करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, पहले तो यही करती थी लेकिन अब एक फिर से डेयरी और एनिमल के नाम से एक अलग से मिनिस्ट्री बन गई है, तो वो करती है। और इंसान की कौन करता है, हर 10 साल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर एक डायरेक्टरेट ऑफ ये ह्यूमन सेंसस वगैरह है, पॉपुलेशन एंड सेंसस, तो वो डायरेक्टरेट करता है, जो कि अमित शाह जी के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। यहाँ पर है इनके कौन कौन से टाइगर के जो सेंसस के मेथड हैं, तो पहले पग मार्क वगैरह हम लोग यूज करते थे, कैमरा ट्रैप यूज करते हैं, डायरेक्ट काउंट भी होता है, कॉल इंडेक्स है, कॉल या स्कैट है जो ने लड़ी की है, रेडियो कॉलर भी लगा देते हैं। बीच में रेडियो कॉलर का बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया था कि हर टाइगर को कॉलर पहना दो, बेचारा कहाँ कहाँ जा रहा है पूरे डिपार्टमेंट को पता है। लेकिन क्या होता है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, जो टाइगर को किलिंग करते थे उन्होंने भी ट्रैकर खरीद लिए, उन्हें तो पहले तो ढूंढना पड़ता था, अब तो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो उन्हें पता है कि कौन सा टाइगर किस झाड़ के पीछे बैठा है, आराम से रात में जाते सूट आउट कर देते, टांग के ले आते। गवर्नमेंट को पता पड़ा कि भाई ये तो जितना फ़ायदा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान है, तो फिर इन्होंने फिर ये जो ट्रैकर थे उन्हें निकाल दिए। आजकल एम स्ट्रिप के नाम से एक प्रोग्राम और चलाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह है मोबाइल के थ्रू। इसका इशू यह है कि टाइगर बहुत सारे हैं तो टाइगर रिजर्व के अंडर है, लेकिन लगभग 20-25% टाइगर ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व के बाहर मूव करते हैं, अदर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, कई बार ह्यूमन सेटलमेंट एरिया में है, तब उनका क्या मूवमेंट है, कैसे उन्हें रेगुलेट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आजकल एम स्ट्रिप के थ्रू यूज कर रहे हैं। इसमें तो यही है, बस ये याद रख लेना, क्योंकि जो नया डाटा है वो तो 22 में आएगा, उससे पहले उम्मीद है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और वैसे भी MPPSC अपने आप को इतनी तेज़ी से अपडेट करती नहीं है, तो ये जो पिछला डाटा था इनका पिछला 4 साल पहले आया होगा, मीन्स 2018 का जो रिपोर्ट था,
उससे याद रख लेना कि जिसमें टोटल टाइगर कितने हैं, 2967। सबसे ज़्यादा अपने एमपी में ही थे, एमपी को आगे अगेन टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया। तो ये वाला डाटा देख लेना। फिर यहाँ पर टाइगर पे पॉपुलेशन जो दुनिया में है सबसे ज़्यादा तो अपने यहाँ, फिर बाकी कंट्री में थोड़ा बहुत देख लेना कि और किस किस में है। तो इस टाइप का अगर कुछ हो गया तो आ जाएगा। फिर आता है थोड़ी हिस्ट्री में कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को बचाना है। तो उस टाइम पे इन्होंने टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे अक्रॉस। यहाँ पर कमिटमेंट किया था कि हमें 2022 तक इनकी पॉपुलेशन जो है वो डबल करनी है। उस टाइम पे तो हम लोग पहले ही डबल कर चुके हैं, मतलब हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बकायदा ने नहीं किया। वैसे यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट है, 92 में स्टार्ट हुआ फरवरी में, ये भी पूछा जा चुका है, एमपी में पूछ लिया गया कि कब स्टार्ट किया। इनको मॉनिटरिंग करने के लिए साइट ने एक प्रोग्राम भी चलाया था, माइक मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो माइक जो प्रोग्राम है वो एलिफेंट के लिए किसने शुरू किया था वो देख लेना, साइट वगैरह का मिल जाएगा। फिर और भी आते हैं अपने प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें बताने का कुछ होता नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसके बट स्टार पहले से लग रखे हैं, उसे पढ़ लो। और क्या बताया जाए इसमें। नेक्स्ट जो अपने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उन्हें देख लेना। इसमें एक तो रहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, और सबसे अभी रिसेंटली कौन सा बना है, और कुछ अपने एमपी से रिलेटेड हैं जैसे पिन वैली। और वैसे भी ये इतने हैं कि 15-16 जो भी 18 हैं आराम से याद किए जा सकते हैं, इनका थोड़ा रट्टा मार लो, हेल्प हो जाती है, कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिए जाते हैं, तो सभी कर लो ज़्यादा बेटर है। दूसरा है ये लास्ट में है रामसर साइट। ये जो डाटा है, ये जो एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, उसकी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट है उसमें दिया है। उन्होंने ये बोला कि ये 6 जनवरी 2021 का है। ये वेबसाइट है ramsar.org से सोर्स लिया है, मॉन्टेक्सिव रिकॉर्ड, वो इस रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें रहती है। आपके पास अगर अपडेटेड डाटा है तो आप उसे यूज़ करिए, अगर आपके पास कोई डाटा नहीं था पहले से तो ये PPT को उठाइए और इसमें से रामसर साइट को देख लीजिए, जिसमें MP वाली साइट है, अपना भोज होगा इसमें, भोज वेटलैंड है, तो चार राजस्थान वाली यूज़ कर लो, और कोई अगर रह जाए तो ठीक है, कुछ अच्छे लग जाए तो ठीक है, यहाँ पर आकर के अपना इसका काम हो जाता है। अब अपने पास कुल मिलाकर के ट्री स्पीसीज ही ऐसी है जिन पे 15-20 मिनट का डिस्कशन किया जा सकता है, और अपना सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब मैं जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, सिलेबस को लंबा खींच तान के कोई पर्पस नहीं बनता है कि अगले 40 घंटे की और क्लास बना दी जाए। फॉरेस्ट्री में खोज खोज के ले आओ ऐसी लाइन है जिन्हें आपने ना पढ़ी हो, कोई मतलब नहीं निकलता, PhD नहीं करनी उसमें। आपके पास अदर एरिया भी हैं सब्जेक्ट की, आप उन्हें दो डिवीज़न। वैसे ही फॉरेस्ट्री में आपका जो पार्ट है ये लगभग 470 के आसपास यही हो गया था, जिसमें लगभग 425 पेज के आसपास आपकी थ्योरी है, बकाए के ऑब्जेक्टिव हैं। 150 पेज के आसपास ऑब्जेक्टिव अभी आपको और हो चुके हैं, जिसमें सेकंड और थर्ड के मिल गए हैं, फोर्थ के और मिलेंगे, तो 150 पेज ही हो जाएंगे। तो मतलब 600 पेज के आसपास आपकी फॉरेस्ट्री हो गई, यही क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से टेस्ट सीरीज हो जाएगी तो कुछ और अगर कुछ मिल गया तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐसा लगता नहीं है कुछ छूट रहा है। जिस लेवल का एग्ज़ाम है, जितना पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है उसमें, तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ छूट रहा है। हालांकि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ऑनलाइन है, ठेकेदारी वाला सिस्टम है, तो यहाँ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वहाँ क्वेश्चन कुछ डीप में चला जाए। जैसे आपसे बोल दिया कि जो होम गार्डन्स हैं उन्हें इंडोनेशिया में क्या बोला जाता है, या साउथ अफ्रीका में क्या बोला जाता है। अब होम गार्डन्स की दुनिया में भाई 40-50 टर्म यूज़ किए जाएंगे होम गार्डन्स के लिए, 40-50 टर्म होंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, और भी मेथड होंगे। ये संभव नहीं है किसी के लिए भी कि ये हर कंट्री का यूज किया जाए, हर कंट्री का याद रखा जाए। होम गार्डन की कर लोगे जब वो 50-60 हो जाते हैं, 15 दिन नहीं पढ़ो कन्फ्यूजन हो जाता है,
तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं जाते हैं। दूसरा एक अपना एरिया बचता है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में, उसमें कुछ हद तक टिपिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद है, लेकिन वो टिपिकल क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछ लिया कि एक 5 सेंटीमीटर, जैसे पिछला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर थिकनेस की एक वुड का प्लांक है, उसे सूखने में कितने दिन लगेंगे, टिक की लकड़ी को सुखाने के लिए कितनी साइकिल की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए तो फिर वही है, वुड साइंस में फिर अलग से पूरी एक बुक आती है 800 पेज की, वो पढ़ानी पड़ेगी, इनका कोई मतलब नहीं निकलता अपने लिए। तो मेरा परसेप्शन ये है कि जहाँ तक हमें चाहिए था वो हो चुका है। अब केवल ये किया जा सकता है कि बीच बीच में, इस मंथ तो शायद कोई क्लास नहीं होगी, जनवरी में ही होगी, तो अगर बीच बीच में इच्छा हो गई तो कुछ 15-20 मिनट के बीच में डिस्कशन कराया जा सकता है, या फिर कुछ और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जैसे कि सिल्वीकल्चर सिस्टम है, उसे नहीं पढ़ाया गया क्योंकि सिलेबस में नहीं था, वैसे उम्मीद भी नहीं है, लेकिन थ्योरी में डाल दिया था क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो पूरी फॉरेस्टी में बका की जगह हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम को थोड़ा देख सकते हैं। जैसे ट्री इम्प्रूवमेंट है, उसमें कुछ टर्म है, ऑर्टेट है, रेमेट है, इलाइट ट्री है, प्लस ट्री है, कैंडिडेट ट्री है, ऐसे टर्म है जिन्हें देखा जा सकता है, सिलेबस में नहीं बट देख सकते हैं कि हाँ भाई ठीक टर्म है, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है अपनी।